राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, लेकिन आज भी हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, बालकनाथ, ये दो नाम तो रेस में आगे चल ही रहे थे। मुलाकात भी वसुंधरा राजे की दिल्ली आकर हो चुकी थी आलाकमान से, लेकिन अब एक तीसरे ने एंट्री मार ली है रेस में, एक और नाम शामिल हो चुका है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि सबसे ज्यादा आगे इस रेस में चल कौन रहा है, क्योंकि नाम तो कई सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप पर कौन है, सबसे प्रायोरिटी पर कौन है, सबसे पसंदीदा कौन है, इसको लेकर के अभी भी मंथन जारी है। राजस्थान के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के दिल्ली में मुलाकात हो रही है। देखिए रिपोर्ट। वक्त बढ़ता जा रहा है, सस्पेंस गहराता जा रहा है, कौन संभालेगा राजस्थान का राज, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। सूत्रों के माने तो अब राजस्थान में सीएम की रेस में एक नया नाम सबके आगे चल रहा है। ये वो नाम है जो सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे को पीछे छोड़ दिया है। ये वो नाम है जिसने बाबा बालकनाथ को भी पछाड़ दिया है। ये वो नाम है जिसने गजेंद्र शेखावत को भी लिस्ट से बाहर कर दिया है। वैसे भी वसुंधरा राजे के सीएम बनने की उम्मीद बेहद कम है, मगर बाबा बालकनाथ और गजेंद्र शेखावत तो रेस में हैं। लेकिन फिलहाल सूत्रों का दावा है कि एक और नेता है जो सीएम की रेस में सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे हो गया है। राजस्थान के सीएम की रेस में वो चौंकाने वाला नाम है, किरोड़ी लाल मीणा। सीएम की रेस में सबसे आगे किरोड़ी लाल मीणा का नाम है। वसुंधरा बाबा बालकनाथ को रेस में पीछे छोड़ चुके हैं। सीएम की रेस में अब नंबर वन पर चल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। अब सवाल है कि कौन है किरोड़ी लाल मीणा। तो बता दें कि सवाई माधोपुर से एमएलए बने हैं किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की थी, वहीं शुक्रवार को उन्होंने राजस्थान के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मीणा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीणा समुदाय एसटी वर्ग में आता है। राजस्थान में एसटी वर्ग की आबादी 13.5% है। राजस्थान में मीणा समुदाय की आबादी करीब 6% है। राजस्थान में 13 सीटें ऐसी हैं जहां मीणा समुदाय प्रभावशाली हैं। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक ऐसे जिले हैं जहां कुल आबादी में 25% मीणा वोटर हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब इंतजार है सोमवार का, जब बीजेपी राजस्थान के सीएम के नाम पर आखिरी मुहर लगाएगी।